कहाँ मस्ती कर रही है, उसका अड्डा है, चबा चबा के खा रही है। एक पौधा है, बहुत मुश्किल से इसको जियाए हैं, सब पपीता खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का फिर से नई व्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज ना बहुत ज़्यादा खुजली लग रहा है मेरा सिर में, रूसी हो गया शायद, और ठंडा का दिन में हो ही जाता है। तो हम सोच रहे अभी जाएंगे बाल धोने के लिए, और इधर पकड़ लिए हैं आईना और कंघी, बाल धोने जा रहे हैं आईना कंघी पकड़ के, और इधर अनुज, और इधर मैक्सी पपीता खा रही है, अनुज अनुज मैक्सी और उधर थोर, तीनों पपीता खा रहे सुबह सुबह। अस्मिता खाली वो अंदर चली गई, बहुत दिन से पपीता नहीं खाए थे, खराब हो जा रहा है आजकल का पपीता ना, तो सुबह सुबह अनुज को तोड़वाए ऊपर ये वाला पेड़ से। ये वाला पपीता पेड़ में तीन ठो पपीता था, एक बड़ा था, दो छोटा छोटा था, एक पका हुआ था, तो उसको तोड़वाए, यहाँ पर रखा ही हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, इसको आधा हम खाएंगे, ऊपर रखो नहीं तो ये दोनों खा जाएगा कुत्ता लोग, पूरा चाट चाट के खा रही है मैक्सी, देखिए मेरा है तो इसको हम दे दिए जितना बच गया। थोर खा लिया, मैक्सी खा रही है पूरा चाप चाप के। ए, इसको ऊपर रखो, ऊपर रखो ना, हम खाएंगे सोच रहे हैं आज पपीता, ना खाए ही नहीं है इस बार, बहुत सारा फला था लेकिन ना क्या बोलते हैं एकदम खराब हो जा रहा था, बाहर से हराई में काला हो जा रहा था, और पक के इसको भी देखिए ये अंदर से पका हुआ है लेकिन बाहर से एकदम हरा है, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग का भाषा में, गोसवा के पपीता खा रहे, गोसवा के पक जा रहा था, तो सब पपीता खाने में व्यस्त है, आज वैसे ही तोड़वाए हैं, पपीता खत्म ही है, देखिए ढूंढला हो गया पेड़। अनुज को बोले तोड़ो, खाएंगे जैसे भी है खाएंगे करके बोले, तो कैसे लगा पपीता? मस्त है, मस्त लगा इसको, खाता है ये लोग, खाता है पपीता, मतलब कि थोड़ा अच्छा अजीब सा लगता है, मैं नहीं खाता, चबा चबा के खा रही है, मजा आ रहा होगा, और इधर थोर मस्त था ना, बाकी को हम खाएंगे, उसको रख दो ऊपर, उतना तो नहीं खाएंगे, आधा खाएंगे, ऊपर रख दो नहीं तो ये दोनों जूठा कर देगा। तो अनुज रख दे रहा है, कहाँ अंदर ले जा रहे हैं, ले जाओ अंदर अंदर। तो हम ना आईना और कंघी इसलिए पकड़े हैं क्योंकि अभी हम लगाएंगे बाल में एलोवेरा, यहाँ पर एक पौधा है, बहुत मुश्किल से इसको जियाए हैं, और एक पौधा उधर है आगे तरफ, तो अभी एक ठो पत्ता तोड़ेंगे और लगाएंगे। बहुत ज़्यादा खुजली लग रहा है, अभी सुबह सुबह लगाएंगे, थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में धो देंगे सोच रहे हैं। एक पत्ता तोड़ लिए छोटा सा, इसको धो लेते हैं, पानी इतना ठंडा है और इसको लगा के तो और कितना ठंडा लगेगा पता नहीं, इसको लगा के अभी धूप में बैठना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर माथा दर्द शुरू हो जाए। तो इधर अनुज आ गया है, बोल रहा है कि हम लगा देंगे करके, काटने के लिए कैसे हो रहा है, बका रहा है, तो चलो लगा देगा तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बर्बाद नहीं करना, बढ़िया से लगाओ, लगाओ, बहुत ज़्यादा खुजली लग रही है यहाँ पर, हाँ लगाओ अच्छा से करना, चौमीन देखिए कैसे लगा रहे हैं लगाओ बढ़िया से, अरे इसमें लगाना है, जमीन में नहीं, जड़ में, अरे रुक रुक, हाँ लगा रहे, जड़ में रगड़ो, हाँ मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा, ज़्यादा ठंडा लगेगा उसके बाद, ठंडा ठंडा करते रहो, जड़ जड़ में मांग निकाल निकाल के, कंघी कहाँ, कंघी में लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे करके मांग निकालो, और मांग में रगड़ो, हाँ लग रहे ना वहाँ तुमको, लगा दे रहे बढ़िया से रगड़ो, ताकत नहीं है जिसे रगड़ रहा है, लाओ इसे करते हैं, बहुत मजा आया अनुज लगा दिया तो, कोई कर देते हैं तो कितना मजा आ जाता है, आराम ना, हाँ आराम लगा।
मैक्सी को देखिए कहाँ मस्ती कर रही है, उसका अड्डा है वहीं पर जाके छुपती है उसमें चढ़ गई बीच में। मैक्सी उसका अड्डा है, थोर से खेलेगी ना तो यहीं पर जाके छुपती है, भागी है। हम जा रहे हैं दुकान, दुकान से 100 रुपया लाने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन हो जा रहा है, मेरा दिमाग से एकदम निकल गया था, हम भूल ही गए थे, आज अचानक से हमको याद आया 100 रुपया बाकी है दुकान में, लेना था हमको लेकिन हम लिए ही नहीं, एकदम भूल गए, दिमाग से ही निकल गया। सामान लाने के लिए गए थे, लहसुन प्याज ऐसे छोटा मोटा सामान लाने के लिए गए थे, तो हमको आधा पैसा लौटाई थी और आधा पैसा नहीं लौटाई थी, शाम में लेके चल जाना, कभी भी आके ले जाना करके बोली थी 100 रुपया, तो हमने एकदम से भूल गए, हमको याद ही नहीं आया, दिमाग से एकदम उतर गया, आज अचानक से सुबह में याद आया कि दुकान में 100 रुपया बाकी है, लेना था हमको लिए ही नहीं, तो अभी याद आया तो हम जा रहे लाने के लिए। तो दोस्तों हम पैसा ले लिए हैं, 100 रुपीज़ में लौटा, 60 रुपया अंडा ले लिए। ये बच्ची अंदर में सो रही थी, सोचे कि इसको बाहर लेके जाते हैं, बाहर में धूप में सोएगी बढ़िया से, धूप भी लगेगी, इसको सेका भी लेगी और हम भी थोड़ा देर बैठेंगे, हम बैठेंगे तब तक ही बैठेगी, नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेगी, इसलिए हम भी आगे बाहर, इधर कुर्सी है, कुर्सी में हम बैठेंगे और यहाँ पर धूप सेकाएगी, सेकाने के लिए लेके आए हैं, अंदर में बेचारी सोते रहती है बैठ के, मतलब हम जितना देर अंदर रहेंगे तो ये भी रहेगी, बाहर आएंगे तो बाहर आएगी, तो हम सोचे थोड़ी देर बैठते हैं तब तक ये भी सेका लेगी, ठंडा लगता होगा। मैक्सी सो जा, उधर गई है अभी छाया में बैठने गई है, यहाँ धूप में बैठी थी अच्छा खासा, उधर चल गई, आ जा आ मैक्सी, इधर आ, यहाँ पर आ, यहाँ पर आ, अस्मिता को हला खाएगी, ये बोला हम थोड़ा सा खाएंगे, ये बोला थोड़ा तो हम खा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा वाला और इधर रेडी हो रही है अस्मिता ट्यूशन जाने के लिए, डाल ली सब। क्या कर रही है, खाओ हम नहीं खाएंगे, हमें एक अंडा जबरदस्त लो पहले ना, पूरा खाएगी तुम, खाएगी क्या अंडा बनाया तो जला नहीं है, खाओ खा गया तो छोटा सा अंडा खाएगी, छुपा क्यों रही, पूरा खत्म कर देगा। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आग जलाने के लिए, मतलब बोरसी जलाएंगे सेकाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है आज, वैसे आज का मौसम ना सुबह से एकदम बादल ढका ढका है, और हमको भी आज ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हाथ पैर सब पूरा कनकना रहा है, और इधर मैक्सी आ गई मेरे पीछे पीछे, तो वहाँ पर से हम ले लेंगे लकड़ी, कुछ लकड़ी ले लेते हैं हम, लकड़ी तो छोटा छोटा है लेकिन फिर भी हम तोड़ के कढ़ाई में डाल रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई से थोड़ा लंबा हो जा रहा था, और साथ में लेके आ गए हैं बाल्टी, कचरा वाला बाल्टी है, इसमें सूखा सूखा कचरा को रखते हैं, भीगा वाला जितना भी कचरा होता है ना, गीला वाला कचरा उसको फेंकते जाते हैं, क्योंकि कभी भी लकड़ी सब जलाने के लिए बन जाता है या फिर कचरा भी जल जाता है, इसलिए हम भीगा वाला और सूखा वाला को एक साथ नहीं रखते हैं। अस्मिता यहाँ आ गई है चिप्स खिलाने के लिए, चिप्स खा रही थी तो बोली हमको कि मम्मी तुम भी एक ठो खा के देखो, कभी भी कुछ भी खाती है ना एक दो हमको खिला के ही मानेगी। आग लगा दिए थे, आग लगा के थोड़ा सा काम था, अंदर गए थे तब तक ना देख सकते हैं, जल के पूरा ख़त्म हो गया, तो ये जल के अंगूर हो जाएगा, उसके बाद में लेके जाएंगे अंदर। अस्मिता नहीं सिकाएगी, अस्मिता उधर बैठ के गाना गा रही है, दूर से सेक रहे ना, थोड़ा सा लकड़ी डाल देते हैं लग रहा है ना इसमें, अंगूर हो जाएगा ढेर सारा, उसके बाद में लेके जाएंगे और जला जला के मज्जा से चाय पियेंगे गर्मा गर्म। चाय बने, चाय हम चढ़ा दिए, चाय पत्ती डाल देना, हाँ ना, इधर आग भी जल रहा है, आग तो गर्म ही रहता है
इधर आग भी चल रहा है, इधर चाय भी मेरा रेडी है। चाय पिए तो मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ के आग सेकाएंगे और हम खाएंगे अरसा का लड्डू चाय के साथ में। आप लोग ठंडा दिन में क्या करते हैं बताइए। आज लेकिन जल्दी जलाए हैं, जलाते हैं रोज, हम नहीं बैठते हैं लेकिन आग के पास में, क्योंकि एक बार बैठने के बाद मेरा उठने का मन ही नहीं करता, लगता है कि आग के पास बैठे पानी छूने का भी मन नहीं करता, इसलिए हम आग के पास में नहीं बैठते हैं। और आग जलाने के बाद में ना ये दोनों को देखना पड़ता है बार बार, क्योंकि आग से खेलते रहते हैं, ऊपर से कभी ये क्या बोलते हैं कढ़ाई उलट जाएगा, गिर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं रहता, इसलिए हम आग जलाने का कोशिश नहीं करते। जी हम बैठते हैं तभी जलाते हैं, नहीं तो नहीं जलाते हैं। और आग जलाने के बाद में क्या बोले, आग जलाए तो सारा काम छोड़ के बैठना पड़ेगा, इसलिए नहीं जलाते हैं। इसके पापा बैठते हैं तो जलाते हैं, नहीं तो नहीं जलाते हैं। हम चाय पीते हैं और अरसा का लड्डू खाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।